साथ है शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत। अरविंद जी, आज कोस्टल रोड के मुद्दे को लेकर श्रेयवाद की लड़ाई हमें दिखाई दी। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि हम किसी का श्रेय लेते नहीं, जो राजकुमार है उन्हें समझना होगा कि काम हमने किया है। अब दुनिया जानती है, इनके सामने आईने रखने चाहिए, ये जो कुछ बोलते हैं ना उनके सामने आईने रखने चाहिए। वर्ली की लोग हो या पूरे मुंबई करो, पहली बात ऐसी है, कोस्टल रोड का सपना किसने देखा, पहले किसने सोचा, वो थे आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे। उन्होंने इस सोच को लेकर इस संकल्प चित्र सारी मुंबई करों को दिखाया था। उसी तरह उन्होंने पूर्व किनारा जो है मुंबई का, पोर्टर्स का जो एरिया है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का, उसकी भी कैसे विकसित कर सकते हैं उसका भी एक संकल्प चित्र बनाया था। दोनों उन्होंने चुनाव के पूर्व मुंबई के सारे नागरिकों को बताया था, मुंबई के खुश थे, उन्होंने रेस कोर्स का भी बताया था। ये तीनों संकल्प चित्र उन्होंने बनाया, उनकी ड्रीम था। अब उन्होंने ये भी सोचा कि सरकार के पास पैसे मांगने चाहिए, कि हमारी सत्ता थी, मुंबई महानगर पालिका हमारे कब्जे में थी, शिवसेना के कब्जे में थी, और जब हम हमारे कब्जे में है तो उसका किस तरह से काम करे। तो उन्होंने सरकार से एक पैसा भी नहीं मांगा। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मुंबई महानगर पालिका के निधि से कराया। अब आजकल कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे देखो, और सामने क्या आ रहा है, तो टूटी हुई दीवारों को कलर लगाया हुआ आ रहा है, ऐसे पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और ये देखिए पैसे का कैसा विनियोग किया जाता है, और जिस ढंग से उन्होंने विनियोग किया, सिर्फ संकल्प चित्र नहीं बताया, काम शुरू कर दिया। अब दुर्भाग्यवश कोविड का समय आया, काम थोड़ा सा रुक गया था, फिर भी बाद में शुरू हुआ। आदरणीय उद्धव जी, आदरणीय आदित्य जी, और वहाँ का सांसद होने के नाते बहुत बार मैं भी उनके साथ में वहाँ गया हूँ देखने, कितनी दिल की गहराई से वो उसकी प्रगति देखते थे, उसको समाधान करते थे, सूचनाएं देते थे, हर 15-20 दिन महीने में जाकर देख लेते कितनी प्रगति हुई, कितनी प्रगति हुई। काम वो कर रहे थे, निगरानी वो रख रहे थे। आप तो शेयर लुटाने में मास्टर हो ही ना, आपकी जारी योजनाओं को जो नाम दिए हुए ना आपने अभी, वो 2014 के पूर्व वो योजनाएं थी कि नहीं थी, उतना ही देखो फिर पता चलेगा। उन्होंने नाम देना, शेयर लाटना, ये तो आपका मतलब बोल ही नहीं सकते, उसमें आप लोग बाहर हो। श्रेय के साथ साथ एक बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास अधिकारी आते थे जो कहते थे कि बड़े पैमाने पे वसूली हो रही है, ट्रक के लिए तक पैसे मांगे जा रहे हैं, और कहा कि हमें बताने की जरूरत नहीं वहां का विधायक कौन है, सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को पर निशाना साधा है। झूठ बोलने उनकी आदत है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो तो माननीय अजीत पवार साहब के बारे में क्या किया आपने, संसद में, भरी संसद में श्वेत पत्रिका देते हो, भाषण करते हो, श्वेत पत्रिका में अशोक चव्हाण जी के ऊपर आरोप लगाते हो, दूसरे दिन अशोक चव्हाण भाजपा में आ जाते हैं, अजित पवार जी आपके साथ आ जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है क्या? पहली बात तो ये तो एकदम सरासर झूठ इल्जाम। आदित्य ठाकरे पर उंगली उठाते समय 100 बार सोचो, इतना विजनरी लड़का, जो युवा नेता है, जो हर बार प्रगति की बात करता है, विकास की बात करता है, विकास को लेकर आगे बढ़ता है, तुम तो घोषणाएं देते रहते हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विध्वंस और सबका विश्वासघात, ये तुम्हारा काम है। उन्होंने ये भी कहा कि कितना छोटा दिल है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में सिटिंग सीएम को नहीं बुलाया, सीधे सीधे उन्होंने उद्धव जी पर भी सवाल खड़ा किया। वो देखो अगर वो निकाले तो मैंने खुद अभी अभी दोबारा नाम आ रहे, हमारा नाम भी नहीं आता है अभी, ये ट्रांसफर पर लिंग मेरे चुनाव क्षेत्र में था ना, आपने नहीं सोचा क्या, इतने कितने अगणित बताएंगे कि आप लोगों ने अवमानित किया है सांसदों को और बाकी लोगों को, वो तो छोड़ो। और वो महानगर पालिका का कार्यक्रम था, राज्य सरकार का थोड़ा ही था, पैसा किसका था, महानगर पालिका, तो आपका क्या संबंध आता उसमें, वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, यही तो समझ लो। इसके अलावा सीट बंटवारे का बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी की स्थिति क्या है, महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे की बातचीत में क्या दिक्कत है, क्यों कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, काफी लंबा समय हो गया। मुझे लगता है इस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, जिस दिन आप लोग युति क्या क्या हो गया वो सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, उसके बाद में हमारे पास आ जाना। तो वो उनका एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री,
कहता है गला बाल से गला काट रही है हमारी भाजपा, भाजपा शिंदे गुट के लोग बोलते हैं कि बाल से हमारा गला काट रहे, हमें सत्यानाश कर रहे, खुलेआम कह रहे हैं ना। परसों सिरसाट ने भी कहा अढ़ाई बरस की बात सही थी, वो तो अभी आया ना सच्चाई बाहर, वो तो उनके साथ है ना, हमारे साथ नहीं ना। तो ये सारी बातें ध्यान में रखो, झूठ बोलने की जिनको आदत है वो कितना भी कुछ कहे झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अमोल कीर्तिकर का नाम उद्धव जी ने अनाउंस कर दिया, बावजूद इसके निरुपम कह रहे कि भैया देखो उनके नेतागण अभी भी मातोश्री में आते हैं, आप कुत्ते वहां तो कोई बात ही नहीं ऐसी आ रही है, किसी ने कुछ बोला उससे कोई मतलब नहीं, सारे बुजुर्ग नेता है, अनुभवी है, महाविकास आघाड़ी पक्की मजबूत बन रही है, आगे चल रही है। सीट आगे सर, वो सीट आपके पास ही रहेगी या शिवसेना के कांग्रेस के पास? मुझे नहीं पूछिए, आप देवेंद्र फडणवीस को पूछिए भाई। चलिए ठीक है, शुक्रिया।